हेलो फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी। उस चीज़ जो आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ डाई की, उसमें मैं कुछ चीज़ें बाजार की इस्तेमाल करूंगी और कुछ चीज़ें घर की। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को काला करेगी और नेचुरल तरीके से बालों को झड़ना रोकेगी, बालों को काला करने की समस्या का आपका समाधान करेगी। और बहुत चीज़ें ऐसी होती है बालों में, बहुत प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, जैसे बाल झड़ते टूटते हैं और किसी के बाल बढ़ते नहीं है। तो सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा निचोड़ है मेरे पास जो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें कुछ चीज़ें मैं घर की ले रही हूँ, कुछ मैं आपको मार्केट से सजेस्ट करूंगी लेने के लिए। वैसे तो आजकल आप अगर घर में भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाजार की भी सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए। और ये काला करने के लिए जो डाई में मेन चीज़ जो होती है बालों को काला करना, वो तो बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और उसमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने, देखिए, मैं इसमें कत्था का पाउडर लूंगी। कत्था बालों को बहुत अच्छे तरीके से काला करेगा और लंबे टाइम तक काले करके रखता है बालों को। तो इसमें कत्था का पाउडर इस्तेमाल करूंगी मैं। अगर आपको साबुत वाला मिलता है साबुत वाला ले सकते हैं, उसे आप सिरम में पका सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर वाला लूंगी। और इसमें एक चम्मच में मेथी लूंगी। मेथी क्या होता है, बालों को झड़ना भी रोकती है और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करती है और बालों को नेचुरल तरीके से जड़ों का इन्फेक्शन दूर कर बालों को काला करने का काम करती है। तो इसमें मेथी लूंगी। मेथी बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। और ये देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा ताज़ा ही बना हुआ है मेरा ये, मैंने आंवलों को भूनकर उसका पाउडर बनाया है। तो आपको क्या करना है, थोड़े से आंवला लेने हैं, उन्हें सूखे आंवलों को आप अच्छे से मिक्सी में गरम करके भूनकर यानी कि पीस लीजिएगा। बहुत बारीक पाउडर बनेगा आपका। तो ये आंवला का पाउडर लूँगी क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये नेचुरल तरीके से बालों को काला करता है। और आंवला एक ऐसी चीज़ है जो बालों को ना इन्फेक्शन दूर करता है और बालों को ना बहुत लंबे टाइम तक काला रखता है। इसलिए जिन लोगों के बालों में मेहंदी का कलर रेड आता है, अगर वो प्रॉपर आंवला का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बालों में ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। और इसमें मैं आपको क्या करना है, कत्था, कॉफ़ी और चाय पत्ती तीनों का ही आपको पानी पकाना है। कत्था, कॉफ़ी और चाय पत्ती, नॉर्मल वाली जो चाय पत्ती होती है चाय बनाने के लिए हम लेते हैं वो लेनी है आपको, कॉफ़ी लेनी है और थोड़ा सा कत्था। आपको कत्था पानी में भी पकाना है और थोड़ा सा हम साबुत जो पाउडर है वो भी डालेंगे इसमें। अगर आपके पास डली वाला है तो आप थोड़ा ज़्यादा, जितना लगता है एक चम्मच के करीब आप डली वाला कत्था पानी में पका लीजिएगा, नहीं तो आप पाउडर वाला भी दे सकते हैं इसलिए। तो सबसे पहले आपको कत्था, कॉफ़ी और चाय पत्ती तीनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरीके से पकाकर इसका सिरम बनाना है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी चाय पत्ती ले लें, कम से कम आपको एक चम्मच कत्था, एक चम्मच चाय पत्ती और एक चम्मच ही कॉफी तीनों चीजें लेनी है। और इसको एक कटोरी पानी में आपको पकाना है, पतला बिल्कुल ना रखें, पानी थोड़ा कम ही रखें, सिर्फ एक कटोरी, तीनों चीजें आपको एक एक चम्मच लेनी है और एक कटोरी पानी। तो आप पकाएंगे तो आपका सिरम ऐसा तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही ब्लैक सिरम बना है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे पेस्ट बनाने के लिए हम इसका जो सिरम है वो कत्था, कॉफी और चाय पत्ती का लेंगे। एक चम्मच मेथी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं इसमें जो कत्था का पाउडर है वो लूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा तुलसी का पाउडर भी लूंगी। ये मैंने बाजार वाला लिया है, अगर आपके घर में तुलसी है तो आप तुलसी को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं इसलिए। तो ये मैं इसमें एक चम्मच तुलसी का पाउडर लूंगी और एक चम्मच ही मैं इसमें एलोवेरा लूंगी। ये भी एलोवेरा का पाउडर है, अगर आपके पास घर में एलोवेरा है तो आप उसको मिक्सी में पीस कर उसका जो लिक्विड होता है वो ले सकते हैं, यानी कि जेल ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप बाजार वाला लेना चाहें तो एलोवेरा का बाजार वाला पाउडर ले सकते हैं। एलोवेरा से क्या होता है, आपके इन्फेक्शन दूर करेगा, बालों को एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा और एंटीबैक्टीरियल होता है, तो हर तरीके से बालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, अगर वो रेगुलर में एलोवेरा, तुलसी और मेथी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल जड़ों से ही ब्लैक निकलने शुरू होंगे इसलिए। तो उसमें मैं एलोवेरा का इस्तेमाल करूँगी और नॉर्मल जो ग्रीन वाली हिना होती है सिंपल वाली वो मैं लूँगी। इसमें मैंने ये तीन चम्मच हिना ली है, इसमें बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेनी है। तो इसमें मैं, देखिए, तीन चम्मच हिना में मैं एक चम्मच जो मेथी का पाउडर है वो लूँगी और इसमें मैं मेथी के पाउडर के साथ आधा चम्मच जो है मैं इसमें कत्था लूँगी। तीन चम्मच मैंने हिना ली है, इसमें एक चम्मच मैंने मेथी का पाउडर लिया है और एक चम्मच ही मैं इसमें कत्था लूँगी। और इसमें जो आंवला पीसा है हमने, एक चम्मच फुल टीस्पून हम जो आंवला है आंवला का पाउडर लेंगे, एक चम्मच आपको आंवला का पाउडर लेना है। और इसमें जो हमने एलोवेरा है, एक चम्मच ही हम इसमें जो एलोवेरा है उसका पाउडर डालेंगे। बहुत ही नेचुरल तरीके से बालों को ये कलर करेगी और बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और हर तरीके से बालों की जो आपकी समस्या है ना उसके लिए बहुत ही अच्छी डाई है ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीज़ें आप घर से ले लीजिएगा, कुछ मार्केट से, और ये इनका अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इनका लिंक दे दूँगी। वैसे तो आप जाएंगे हर साइड में आजकल सब सामान अवेलेबल है। तो इसमें एक चम्मच मैं जो एलोवेरा है उसका पाउडर लूँगी, देखिए एक चम्मच मैं एलोवेरा का पाउडर ले रही हूँ इसमें, और एक चम्मच ही मैं इसमें तुलसी का पाउडर लूँगी। तुलसी में क्या होता है, तुलसी तो बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है, आपने देखा होगा सर्दियों में। तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बहुत सारी जो बालों में सर्दियों में समस्या हो जाती है वो सब आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप सर्दियों में तुलसी का यूज़ करते हैं तो।
ये देखिए अब एक चम्मच मैंने इसमें तुलसी का पाउडर लिया है, इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो हमने कत्था कॉफ़ी और चाय पत्ती इन तीनों चीज़ों का हमने जो सिरम बनाया था वो हम इस डाई में डाल देंगे। इस पेस्ट को बनाएंगे, बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है हमें और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बालों को काला करेगी डाई। अब आप इसे जब लगाएंगे एक ही बार में, जितनी भी मैंने आपके साथ डाई शेयर की हैं उन सब में आपको इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो बहुत अच्छी हैं। अब इसका बहुत अच्छा सा पॉइल हम पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे हम इसका, क्योंकि मैं इसे ग्लव से लगाऊंगी बालों में, तो हम इसे क्या होगा ग्लव से लगाएंगे तो ये लंबे टाइम तक थोड़ा अच्छा सा कलर देगी और जो कलर हमारे बालों में लंबे टाइम तक टिकेगा। आप देखिए इसका पेस्ट बना दिया है मैंने। अब हम इसका पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, इसे मुझे क्योंकि रात भर रखना है तो जिससे कि मेरे बालों में और भी अच्छा ब्लैक कलर आए, तो मैं इसे ऐसे ढक दूंगी और इसको मैं रात भर यानी कि 24 घंटे कम से कम 24 घंटे ज़रूर रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे रात भर रख दीजिएगा। तो इसे बनाने के बाद आप इसे रात भर रख दें कढ़ाई में, उसके बाद आप सुबह क्लीन बालों में इसे अप्लाई करें, शैम्पू बिल्कुल ना करें और गर्म पानी से बिल्कुल आपको सिर नहीं धोना है। आप इसे लगाने के बाद अच्छे से बाल जैसे आपके ड्राई हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ड्राई होते रहेंगे आपके बालों में कलर आना शुरू हो जाएगा। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं शुरू शुरू में, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार कर दीजिएगा। हर तरह के बालों के लिए बहुत अच्छी है। जो आप बाजार की डाई इस्तेमाल करते हैं ना उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा। जो लोग एक बार में चाहते हैं उनके बालों में बहुत अच्छा कलर आ जाए तो ये डाई बहुत अच्छी है, बहुत ही पावरफुल डाई है, इसलिए आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।